विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सायला उपखंड के जालमपुरा व तालियाना में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जालमपुरा व तालियाना पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल धमाकों के साथ मोदी जी के रथ का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित, कृषि मंडी पूर्व चेयरमैन दीप सिंह धनानी, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, जालमपुरा सरपंच लीलाराम चौधरी, तालियाना सरपंच हस्तिमल मेघवाल सहित कई जने मौजूद रहे। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभागवार विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को लाभान्वित किया। दीप सिंह धनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिनसे गरीब लोगों को गैस, आवास व स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। इस दौरान जीवन उप तहसीलदार फतेह सिंह महेचा, जिला परिषद सदस्य रामाराम आकवा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष तगत सिंह तालियाना, सहायक विकास अधिकारी रेसाराम सुंदेसा, आरपी लुम्बाराम चौधरी, सायला मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, खेतलावा सरपंच हजाराम चौधरी, आलवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि सांवलाराम चौधरी, जीवना सरपंच उत्तम सिंह, बाबू सिंह तालियाना, आईटी संयोजक भवानी सिंह देता, ओबीसी मंडल अध्यक्ष धगनलाल सुथार, भाजपा नेता खेत सिंह दवेसा, कार्यक्रम समन्वयक सुरेश वैष्णव, भाजीमो मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी, फतेह सिंह दूधवा, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष सुरज सिंह दवेसा, दलपत सिंह दहीवा, भाजपा मंडल महामंत्री डायलाल राजपुरोहित, मंडल महामंत्री राजेंद्र सिंह, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री चतराराम दूधवा, ग्राम विकास अधिकारी गुलाब देवंदा, रमाकांत माली, रोजगार सहायक भवर सिंह, व्यवस्थापक पूर्ण सिंह सहित बड़ी संख्या में कई कार्मिक व अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। तो मोदी जी की यही, जब से प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से यही सोच थी। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम दिया है वो स्वच्छ भारत अभियान, आप सबको पता ही होगा। उस योजना के अंदर लगभग हमारे यहाँ पे एक धारणा थी कि सुबह शौच के लिए जाना है तो लोटा लेके बाहर जाना है, लेकिन उन्होंने हर घर में जो शौचालय का निर्माण कराया गया उससे लेके फिर हर वंचित को घर देना, और इस तरह अनेक योजना जो हमारी महिलाएं अपने घर में सब लोग चूल्हे जलते थे, आज की तारीख में किसी भी घर में, हर घर में लगभग गैस की टंकी का उपलब्धता है, तो और किसी और के कारण से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। आप लोग युवा हो, आपका भविष्य है, आप इस कैंप में जो देख रहे हैं, मैं बच्चों को खासकर बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि लगभग हर कैंप में बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी देखना है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। सरकार रा हतरे महकमा है, हतरे महकमा रा अधिकारी अटे आया है, सभी अपनी योजनाओं अपने बतावे। इन शिविर का उद्देश्य यही है कि जो भी सरकारी योजनाओं है, बिन योजनाओं रो लाभ हर गरीब और पात्र व्यक्ति ने की कर मिलना चाहिए, बिन वास्ते वो शिविर राखी उड़ो है। अठे हमार ऑपरेटरी स्थानीय बालिकाओं द्वारा एक लघु नाट्य प्रस्तुत की दो, बिंडा में भी आपने बतायो कि आप खेती रो काम करो, बिंडा में रासायनिक खाद है, दवाई है, वे यूज नहीं करनी है।